हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट? तो सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदी, ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदी, तो टोटल उन दोनों ने मिलकर के कितनी लेंथ ऑफ रिबन खरीदी? तो हम 2/5 और 3/4 को आपस में ऐड करेंगे ये क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसका आंसर कुछ इस तरह आप लिखेंगे। रिबन बॉट बाय सरिता, रिबन जो सरिता ने खरीदा वो 2/5 मीटर है एंड रिबन बॉट बाय ललिता, ललिता के द्वारा खरीदा गया रिबन वो 3/4 मीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन निकालने के लिए 2/5 में 3/4 को हम ऐड करेंगे। 5 और 4 दोनों के एलसीएम 20 आता है, तो हम जो है 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाने के लिए, 2 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ठीक है, 20 लाने के लिए, तो हमें 3 में भी यानी न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 8 हो जाता है, 8/20, ये फर्स्ट 2/5 हो गया, और 3/4 को अगर हम देखें तो 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20। तो 8/20 और 4/15 ये बन गए, आपस में इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 8 और 15 ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हमारा 20 ही रहेगा। तो आंसर आ गया 23/20। अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो लिख सकते हैं 1/3/20, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर आप लिख देंगे, देयर फॉर दे बॉट 1/3/20 मीटर ऑफ रिबन। उन्होंने मिलकर के पूरा एक रिबन खरीदा और पार्ट में फ्रैक्शन में बताएं तो 3/20 ऐड मतलब और भी खरीदा, ठीक है। तो 1 तो होल था, बाकी 3/20 और था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।